ये तस्वीरें महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन महाराष्ट्र की नहीं है बल्कि असम के गुवाहाटी की है, जहां होटल रेडिशन ब्लू के बाहर असम टीएमसी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती रही और कई टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। टीएमसी के प्रदर्शन की अगुवाई रिपुन बोरा ने की। महाराष्ट्र में घट रहे सियासी क्रम को लेकर टीएमसी नेताओं ने शिवसेना विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार से बगावत कर शिवसेना के कई और कुछ निर्दलीय विधायक गुवाहाटी में हैं। विधायकों को रेडिसन ब्लू होटल में रखा गया है। उनके साथ बागी एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं और लगातार शिवसेना विधायकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं होटल के बाहर और अंदर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पहले से बुकिंग वाले गेस्ट को ही अनुमति दी गई है, बिना बुकिंग वाले गेस्ट को वापस लौटाया जा रहा है। होटल सिक्योरिटी के साथ साथ गुवाहाटी पुलिस के हाथों में अब होटल की सुरक्षा है। वहीं सबके बीच असम के मंत्री अशोक सिंघल गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे। अब असम में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी के एक मंत्री का शिवसेना विधायकों से मिलना बहुत कुछ साफ करता है कि महाराष्ट्र में बड़ा फेर बदल होने वाला है। उधर असम से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विधायकों और नेताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र की सियासत के सबसे कद्दावर नेता शरद पवार की इस बैठक में महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर आगे की रणनीति बनी। बहरहाल महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। आखिर महाराष्ट्र की सियासत भी तो कुछ इसी मोड़ पर खड़ी है, जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।